प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह में दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है आतिशी मारलेना। जी हाँ, आतिशी मारलेना आप विधायक के जो नेता है, उन्होंने अपना नेता चुना है और अब दिल्ली का अगली जो मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे आतिशी मारलेना। जी हाँ, आतिशी मारलेना वो 2018 से आप में है और उन्होंने कई सरकारी विभाग भी उन्होंने संभाले हैं और अब वो दिल्ली का तीसरा महिला मुख्यमंत्री बन गई है। जी हाँ, एक विवाद खड़ा हो गया है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री है वो एक क्रिश्चियन है, वो एक ईसाई है। इस प्रकार से उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जो उनका जो सरनेम है वो है मारलेना। जी हाँ, मारलेना सरनेम होने के कारण उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो आतिशी है उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो एक ईसाई है। इसलिए जब वो राजनीतिक में आया तो उन्होंने अपना जो सरनेम है उसको हटा दिया और केवल आतिशी ही नाम दिया है। इस प्रकार से कई जो राजनीतिक दलों का उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वोट के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो सरनेम है उसको हटा दिया है और वो एक पंजाबी हिंदू है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा। सीएम आतिशी मारलेना ने ये कहा था कि मैं हिंदू हूँ, पंजाबी राजपूत हूँ, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। जब उन्होंने 2019 में नामांकन भरा था तो उस समय उन्होंने अपना नाम था वो आतिशी मारलेना बताया था, लेकिन उसके बाद कई लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये क्रिश्चियन है, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम है वो हटा दिया। हालांकि वो बताते हैं कि मेरा जो सरनेम है वो माता पिता ने दिया है, इस प्रकार से बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो विवाद है वो खड़ा हो गया है और अभी वो दिल्ली का नए सीएम बन चुके हैं, इसलिए ये विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। अभी आप हर एक न्यूज़ में, सोशल मीडिया में अगर आप आतिशी मारलेना करके लिखेंगे तो आपको वही दिखाई देगा कि क्या आतिशी मारलेना एक क्रिश्चियन है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनके ऊपर ईसाई होने का या क्रिश्चियन होने का आरोप लगाया गया है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। अब वो मारलेना जो सरनेम है उसको हटा दिया है और अब केवल आतिशी ही नाम वो लिखती। अभी उन्होंने किस कारण से ये सरनेम हटाया है वो ही जानते हैं, लेकिन आतिशी मारलेना जो कि दिल्ली का जो नए सीएम है, उनके बारे में अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो उन्होंने दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। जी हाँ, और उन्होंने दिल्ली में कई सारे विभाग भी संभाले हैं और अंत में अभी जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक ये आतिशी मारलेना जो कि सीएम है वो बनी रहेगी, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी अधिकारी है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। सीएम आतिशी के पेरेंट्स ने उनके नाम के साथ कोई सरनेम नहीं लगाया, बल्कि पूरा नाम उनका आतिशी मारलेना रखा। सरनेम की जगह मारलेना लगाने की कहा, सरनेम की जगह मारलेना उन्होंने क्यों लगाया? उनके जो पिता है वो लेफ्ट विचारधारा को पसंद करते हैं और लेलिन से प्रभावित थे, इसलिए दोनों को मिलाकर अपनी बेटी का नाम आखिरी में सरनेम की जगह मारलेना लगाया। अब वो नाम हो गया पूरा आतिशी मारलेना। अभी उन्होंने मारलेना लिखना छोड़ दिया है। ये साल 2019 में लोकसभा चुनाव में जब आतिशी मैदान में उतरी तो विपक्षियों ने उनके नाम को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने ईसाई करार दे दिया था कि आतिशी मारलेना एक ईसाई है, क्रिश्चियन है। मारलेना सरनेम से ऐसा भ्रम भी हुआ और सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया। ये बाद आतिशी ने अपने नाम के आखिर से मारलेना को हटाने का फैसला लिया। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, साल 2018 में आतिशी ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना मारलेना सरनेम हटा दिया था। आतिशी के इस फैसले के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन पर आरोप भी लगाए कि वह एक ईसाई है। इसके जवाब में आतिशी ने कहा था कि भाजपा चुनाव में ध्रुवीकरण कर रही है और इसे रोकने के लिए उन्होंने मारलेना सरनेम लिखना बंद कर दिया था और तब से वह सिर्फ आतिशी ही लिखने लगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।